हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स मेंटोर यूट्यूब चैनल। अभी हम बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में। मैंने बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए 5 से 6 वीडियोस अपलोड करे थे, आप लोगों ने उन वीडियोस को देखा होगा। कई सारे स्टूडेंट्स ने मैसेज भी किए हैं आगे के वीडियोज़ के लिए। तो अभी मैं लगभग 10 से 15 डेज के अंदर जो भी रिमेनिंग वीडियोज़ हैं वो अपलोड कर दूँगा। आज के इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कौन कौन से आ सकते हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में। आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले होंगे, तो जिन लोगों ने अभी तक पढ़ाई नहीं करी है वो लोग पढ़ाई करें, इन वीडियोस को देखें। और यहाँ से अभी थ्योरी कवर करा रहा हूँ मैं आज के इस वीडियो में। तो देखें, अभी सिलेबस मैंने पहले ही बता दिया था कि कौन कौन से चैप्टर कवर कराने वाला हूँ मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर के। ओके, यूनिट वाइज भी मैंने बता दिया था कि जिन लोगों का सिलेबस इन यूनिट से मैच करता है, वो इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, अगर मैच करता है तो आप लोग इसको देखें। तो फर्स्ट यूनिट पर आते हैं। फर्स्ट यूनिट में मैंने कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिए हैं, आप लोग इनको नोट कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, राइट अबाउट द मीनिंग्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, मीनिंग्स ऑफ अकाउंटिंग लिखना है, ऑब्जेक्टिव्स लिखना है और फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, मतलब उसका मेन काम क्या क्या है। ठीक है, हिंदी मीडियम जो स्टूडेंट्स हैं मैं हिंदी में भी कन्वर्ट करूंगा क्वेश्चन को, तो आप लिख सकते हैं इसको। दूसरी खास बात, जिसको भी ये पीडीएफ फाइल चाहिए तो जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है आप लोग उस पर अपना नाम लिखकर मैसेज करिए, तो मैं आपको उसमें पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करवा दूंगा। वहां से आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं आप 9425305335। ओके, इसके अलावा आप क्या करिए, अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो हमारे इस कॉमर्स मेंटोर का चैनल का टेलीग्राम पर भी चैनल है, आप टेलीग्राम पर मैं पीडीएफ पहले से ही अवेलेबल करवा दूंगा, सेम इसी नंबर पे है। तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिए आप लोग, जिन लोगों के पास नहीं है टेलीग्राम ऐप में भी आप ये नंबर सर्च करेंगे या कॉमर्स मेंटोर सर्च कर देंगे तो भी मिल जाएगा, अंडरस्कोर मेंटोर। ओके, तो उस चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पे पीडीएफ फाइल ऑलरेडी अपलोडेड है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इन क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं। तो आगे के इस वीडियो में मैं एनी क्वेश्चंस को डिटेल्ड बताने वाला हूँ, तो आप लोग जुड़े रहें। जिन लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है वो भी लास्ट के 10 से 15 डेज पढ़िए, सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। राइट, तो पहला क्वेश्चन क्या है, राइट अबाउट द मीनिंग्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। तो इसमें बेसिक क्या लिखना है आपको, मीनिंग्स ऑफ अकाउंटिंग लिखना है, उसके उद्देश्य क्या होते हैं और अकाउंटिंग के मेन काम क्या क्या होते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली किसे कहते हैं ऑफ अकाउंटिंग, उसको एक्सप्लेन कीजिए, मतलब व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम, जस्ट एक्सप्लेन। तो इसमें डेफिनेशन लिखना है आपको अगेन डबल एंट्री सिस्टम की और एक्सप्लेनेशन देना है उसकी। ओके, व्हाट आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड व्हाट इज देयर इम्पॉर्टेंस। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से होते हैं, कॉन्सेप्ट्स लिखने के बाद उनके इम्पॉर्टेंस क्या हैं, ये भी लिखना है। ओके, फिर ये लेसर है, टाइपिंग मिस्टेक होगी, डोंट वरी, मेरा जो टाइपिंग वाला है वो कॉमर्स का नहीं है। व्हाट इज लेजर, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ क्लोजिंग वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, मैंने लेजर जो पढ़ाया था तो वहां पर मैंने समझाया भी था, आप लोग जाके थ्योरी में जरा देखिएगा। तो लेजर क्या होता है, फिर लेजर को जब हम क्लोज करते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंट, जैसे पर्सनल अकाउंट को कैसे क्लोज करेंगे, नॉमिनल लेजर को कैसे क्लोज करते हैं, रियल लेजर को कैसे क्लोज करते हैं, तो इसका डिटेल्ड होता है, तो आप वहां से इसको भी देख सकते हैं। ओके, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द सब डिविजन ऑफ जनरल, सब डिविजन मतलब जिसको सब्सिडरी बुक्स कहते हैं, तो व्हाट इज सब्सिडरी बुक्स, इसके बारे में आपको लिखना है यहाँ पे। What is trial balance? What are its objectives? Trial balance क्या होता है, trial balance क्यों बनाया जाता है, ये question भी exam में पूछा जा सकता है। तो ये पूरे basic questions है, इसके अलावा एक या दो question और भी पूछे जा सकते हैं, जैसे branches, type of accounting branches, accounting की कौन कौन सी branches हैं बताइए। तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, नाउ मूव टू द 7th क्वेश्चन, व्हाट डू मीन बाय फाइनल अकाउंट्स एंड व्हाई दे आर प्रिपेयर्ड, व्हाई आर दे प्रिपेयर्ड।
फाइनल अकाउंट सभी को पता है क्या होता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। व्हाई दे आर प्रिपेयर्ड टू गेट द प्रॉफिट एंड लॉस एंड एक्यूरेट पोजीशन ऑफ द बिजनेस, तो ये थ्योरी भी आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे व्हाट अबाउट, ये गलत टाइपिंग है, इसको सही कर लीजिएगा, राइट अबाउट एक्रूअल, एक मिनट देख लेता हूँ मैं क्या होना चाहिए, AS 9 है ये, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9। सभी को पता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, आप लोगों ने 11th 12th क्लास में हो सकता है ना पढ़ा हो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, लेकिन अब BCom पर जो अभी रिसेंट कोर्सेस आए हैं उसमें फोकस करने लगे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 जरूर पढ़ लीजिएगा। AS 9 जो है वो रेवेन्यू रिकॉग्निशन की बात करता है, मतलब कि कोई भी इंस्टीट्यूशन अपना रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करेगा, कब उसको अपनी इनकम मानेगा, उसके बारे में ये पूरी बातचीत करता है। तो आप लोग ये पूरे 8 क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट से ज़रूर प्रिपेयर करेंगे, ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, सेकेंड यूनिट जो है वो उसमें कौन कौन से चैप्टर हैं मैं बता देता हूँ आपको सेकेंड यूनिट के बारे में। तो सेकेंड यूनिट में देखिए, मैंने आपको बताया था कौन कौन सा चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ मैं सेकेंड यूनिट में। इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 और 10 दो चीज़ें मेन हैं जो आपको लर्न करना है, 6 और 10। ब्रांच डिपार्टमेंटल, ब्रांच अकाउंट्स क्या होता है, ये चीज़ें कवर करा रहा हूँ, मतलब मैं यहाँ पे डिपार्टमेंटल अकाउंट कौन सा होता है एंड अकाउंटिंग फॉर डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन क्लास 11, 12 में आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा, उसी का एडवांस वर्जन है, राइट। तो BCom लेवल पे बेसिकली क्या पूछ सकता है, ब्रांच या फिर डिपार्टमेंट। ब्रांच अकाउंटिंग के बारे में मैंने चैनल पर वीडियो अपलोड कर दिया है, आप लोग उसको जाके देख सकते हैं। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के बारे में भी मैंने उसमें बताया हुआ है कि क्या होता है डिपार्टमेंट, तो उसकी थ्योरी भी मैंने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दी है, तो ये दोनों आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो अभी हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे कि इसके कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, ओके। राइट अबाउट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 और 10। तो AS 6 जो है वो डेप्रीसिएशन की बात करता था और AS 10 जो है वो फिक्स्ड एसेट्स के बारे में बात करता था। हालांकि ये सब रिवाइज्ड हो गए हैं, ठीक है ना, बट आपको कोर्स में है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, वो वैसे ये सब ख़त्म हो गए हैं। अब AS 10 का नया आ गया है, उसका नाम PPE है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, लेकिन आपको उन सबसे ज़्यादा मतलब नहीं है, AS 6 भी अब नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना है बिकॉज आपके कोर्स में अभी है, ठीक है, ठीक है। राइट अबाउट डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग क्या होता है, जस्ट लाइक ब्रांच, जैसे ब्रांच होती है वैसे ही डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो उनको हम किस तरीके से उनकी अकाउंटिंग करते हैं ये आपको थ्योरी में लिखना पड़ेगा। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रांच, ब्रांच का कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब हम ब्रांच क्यों बनाते हैं, किसी भी बिजनेस की ब्रांचेज ओपन क्यों होती हैं, एक हेड ऑफिस होता है, फिर वो ब्रांच की ज़रूरत क्यों पड़ी उसको, तो क्या कॉन्सेप्ट है उसका, थ्योरी है लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। कैश इन ट्रांजिट पर थ्योरी लिखना है, कैश इन ट्रांजिट क्या होता है, ठीक है। कैश इन ट्रांजिट मतलब रास्ते में जो पैसा आपका रुका हुआ है, रास्ते में मतलब ज़रूरी नहीं कि सड़क पर ही हो, रास्ते में मतलब कि सपोज दैट USA से पेमेंट आनी है तो वो बैंक में अभी जमा है, बैंक 10 दिन बाद देगा, दैट इज़ कॉल्ड कैश इन ट्रांजिट, ओके। सिमिलरली गुड्स इन ट्रांजिट क्या होते हैं, ऐसे ही USA से गुड्स आ रहा है, अभी वेसल्स में गुड्स है, 8 दिन बाद डिलीवरी मिलेगी, 10 दिन बाद, दैट इज़ गुड्स इन ट्रांजिट, ठीक है। ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट्स क्या होता है, ये प्रैक्टिकल है थोड़ा सा, तो यहाँ पर क्या होता है, ब्रांच लोडिंग मतलब प्रॉफिट के साथ जो है गुड्स सोल्ड करता है, तो उसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड रहता है, उससे रिलेटेड ये टॉपिक है, इसकी थ्योरी आप जरूर पढ़ लीजिएगा। इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच के ट्रांजेक्शन्स को इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन्स कहते हैं, इसकी डिटेल भी आपको खुद से पढ़ना है, ओके। व्हाट अकाउंटिंग रिकॉर्ड इज मेंटेन्ड बाय ब्रांच इन ब्रांच अकाउंटिंग, देखिए मैंने अभी जब ब्रांच का वीडियो बनाया था तो वहाँ पे मैंने समझाया भी है कि एक हेड ऑफिस होता है वो भी अकाउंटिंग करता है, और जो इंडिपेंडेंट ब्रांच होती हैं वो अपना अकाउंट खुद से मेंटेन करती हैं, राइट। तो उनको कौन कौन से अकाउंट ओपन करने पड़ते हैं ये आप लोग देख लीजिएगा, ओके। व्हाट इज डेप्रीसिएशन, सबको पता है फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू जब कम हो जाती है उस कमी को डेप्रीसिएशन कहते हैं। व्हाट्स इट्स अरेंजमेंट,
मतलब ये क्यों होता है, वाई इट इज़ नेसेसरी, ये ज़रूरी क्यों है, नेम द डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन। सिंगल क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है, इसमें मतलब दो तीन अलग अलग पॉइंट्स हो गए हैं, तो इनको आपको लर्न करना पड़ेगा। लाइक डेप्रिसिएशन क्या होता है पहला क्वेश्चन, फिर ये क्यों ज़रूरी है और इसकी मेथड्स कौन सी हैं। तो आपको SLM स्ट्रेट लाइन मेथड, WDV रिटन डाउन वैल्यू मेथड और भी होती हैं, अगर आपके बुक में हो तो आप ज़रूर लिख लीजिएगा उनको। ओके, तो सेकेंड यूनिट भी ख़त्म हो चुकी है, अब हम चलते हैं थर्ड यूनिट पर। और कॉमर्स मेंटोर चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल को बारे में बताएं। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं आगे वीडियोस बनाता रहूँगा, अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं वीडियो किसके लिए बनाऊँगा, ये भी एक बात है। ओके, जैसे अभी मैंने बीकॉम का लास्ट ईयर एक वीडियो डाला था, उसको लगभग 40-45 हज़ार लोगों ने देखा, तो अभी मैं और भी अपलोड करूँगा। ठीक है, यूनिट थर्ड पे आते हैं, राइट अबाउट रॉयल्टी अकाउंट। रॉयल्टी सबको पता है क्या होता है, रॉयल्टी मतलब होता है किसी एक काम को करने के बदले में उसके जो ऑनर होते हैं एक्चुअल उनको पैसे मिलते जाते हैं, जैसे बुक राइटर्स को मिलती है रॉयल्टी, राइट, इस तरीके से। तो आपको रॉयल्टी के बारे में लिखना है। राइट अबाउट अकाउंट्स ऑफ NPO, क्लास 11 12th में आपने पढ़ा है इसके बारे में, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पढ़ा होगा, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पढ़ा होगा, बहुत पढ़ा होगा आपने, बहुत परेशान भी हुए होंगे आप, तो उसमें ही लिखना है उसके बारे में। अगेन, व्हाट इज़ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें हम उस करेंट ईयर के इनकम और एक्सपेंडिचर्स को रिकॉर्ड करते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश बुक, इसमें हम ऑल द कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट रिकॉर्ड करते हैं, बस यही खास बात है। तो आपको एक बार ये पूरा पढ़ लेना है, ठीक है। नाउ वॉट अबाउट, राइट अबाउट शेयर्स 8, ये शेयर्स 8 नहीं होगा, ये यहाँ पे अगेन मिस प्रिंट है, तो ये होगा AS 8, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8, ठीक है। अच्छा, एक बात बताता हूँ, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 को ख़त्म हुए तो 10-15 साल हो गए होंगे, उससे भी ज़्यादा समय में, मुझे नहीं पता कि ये आपके कोर्स में क्यों है, ये तो ना मैंने खुद पढ़ा है ना CA में CS में, कहीं भी नहीं पढ़ाया जाता ये, ठीक है। फिर भी मतलब नाम है इसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, तो इसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं आपको पढ़ना पड़ेगा, वैसे अब ये होता ही नहीं है लेकिन क्योंकि बुक में दिया है तो पढ़ना पड़ेगा, तो एक बार आप पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ मैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट का मतलब क्या होता है, सपोज दैट हम कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं तो पहले उसके हम रिसर्च करवाते हैं या उसको सर्च कर डेवलपमेंट करने के लिए बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना होता है, तो दैट इज़ कॉल्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। अब उस कॉस्ट, वो जो खर्चा आता है, मान लीजिए कोई मेडिसिन है, आज वो 1 रुपये की मिल रही है, लेकिन क्या वो 1 रुपये की मेडिसिन बनाने में 100 करोड़ रुपये खर्चे भी हुए थे रिसर्च में, तो वो 100 करोड़ रुपये अब कहाँ जाएंगे, क्या उसको कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे या एक्सपेंसेस मानेंगे, तो उसके बारे में ही बात करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, राइट। तो ये आप लोग वहाँ पर देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। नाउ राइट अबाउट देयर 7 अकाउंटिंग फॉर लॉन्ग टर्म, सॉरी ये फिर से यहाँ पर देयर लिखा हुआ है, AS 7 होगा, ठीक है, AS 7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट ये है। तो आपको इसमें कौन कौन से AS 7 और 8 दो दिए हुए हैं, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, एज अ बीकॉम स्टूडेंट आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए। क्लास 11th में एक पेज में लिस्ट दी होती थी और आप लोग इसको मजाक मजाक में ही छोड़ देते थे, लेकिन अकाउंटिंग में ये सब बहुत वैल्यूएबल मायने रखते हैं चीज़ें। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, इसको ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है, जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, वो लोग किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू को रिकॉर्ड करें, उसी सब पे बात करता है, बहुत सारी चीज़ें हैं फिर उसमें। व्हाट डू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ये आ ही गया है, और ये आप अभी पढ़ लेंगे तो आपको अगले साल में आसानी होगी, जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पर पूरा कॉन्ट्रैक्ट का एक चैप्टर ही होता है, ठीक है, तो वहां से वहां पे भी यही चीज पढ़ाते हैं। व्हाट डू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, डिस्कस द स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, मतलब वही है, इसके बारे में आपको पूरा लिखना पड़ेगा।
What are the principles of ascertaining profit in incomplete contract? समझिए ज़रा, यहाँ पे कुछ principles होते हैं, जैसे अगर 25% काम हुआ है, मैं अभी ऐसे ही बता रहा हूँ कि 0 से 25% काम हुआ है तो 1/4 ऑफ नोशनल प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। फिर 25% से 50% काम हुआ है तो 2/4 या 2/3 ट्रांसफ़र करते हैं। ये मैं ऐसी रैंडमली अमाउंट बता रहा हूँ, ठीक है? तो आपको ये देखना पड़ेगा वहाँ पर कि जो इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनको असर्टेन कर प्रॉफिट निकालने के कुछ तरीके हैं, इसी तरीके से दिए होंगे आपको, ठीक है? तो आप वो देख लीजिएगा। नाउ एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। वैल्यूएशन ऑफ वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड क्या होता है, उसकी वैल्यूएशन कैसे करते हैं, AS-7 की ही बातें हो रही हैं, ठीक है? तो देखिए, वर्क सर्टिफाइड मतलब मान लीजिए 100 करोड़ का काम हुआ है, जिसमें 100 करोड़ का काम मिला था, जिसमें 40 करोड़ रुपए का काम फर्स्ट ईयर में कंप्लीट हुआ है, और इंजीनियर आया, उसने उसको सर्टिफाइड, उसमें से सिर्फ 30 करोड़ का काम किया है, तो वर्क सर्टिफाइड इज 30 करोड़ रुपीज़, ठीक है? फिर वर्क इन प्रोग्रेस, जो काम चालू है अभी, तो उसमें जो स्टॉक वगैरह होते हैं उन सब की वैल्यूएशन होती है, वहाँ पर भी वैल्यूअर और इंजीनियर्स आके वो वैल्यूड करते हैं। वर्क अनसर्टिफाइड ये है क्या, 10 करोड़ रुपए का काम अभी सर्टिफाइड नहीं हुआ है, तो ये वर्क क्या हो जाएगा, अनसर्टिफाइड। फिर रिटेंशन मनी क्या होता है, रिटेंशन मतलब रिटेन करना, मतलब रखना होता है, तो हर कॉन्ट्रैक्टर को कुछ परसेंटेज रिटेंशन मनी होती है, कुछ परसेंटेज होता है ये, तो उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। ये क्लियर हो गया? ओके, तो 3 यूनिट खत्म हो चुकी हैं, लास्ट के 2 यूनिट और देखते हैं। तो चौथे यूनिट पर आते हैं, राइट अबाउट ज्वाइंट वेंचर्स अकाउंट। अब आप कहेंगे सर ये ज्वाइंट वेंचर्स क्या होता है, यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20, 22, 27 ये सब पढ़ना पड़ेगा आपको, हालांकि आपकी बुक में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यहाँ पर ज्वाइंट वेंचर के लिए नहीं है। आपने एक कंपनी का नाम सुना होगा, टाटा डोकोमो सुना है सभी की ने, या टाटा स्काई सुना होगा। तो टाटा जो है वो इंडिया की कंपनी है, और स्काई जो है वो ब्रिटेन की, यूके की कंपनी है। इन दोनों के बीच में ज्वाइंट वेंचर हुआ था इंडिया में, जिसका इंडिया में नाम पड़ा टाटा स्काई। तो ज्वाइंट वेंचर मतलब जब दो कंपनीज मिलके कोई बिजनेस करते हैं एक ही कंट्री में, तो उसको ज्वाइंट वेंचर कहते हैं। उसकी अकाउंटिंग कैसे करना है उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। अब मेरे पास इतना डिटेल्ड टाइम नहीं है कि मैं आपको प्रैक्टिकल बता सकूं, तो आप लोग थ्योरी के माध्यम से भी इनको कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर है? व्हाट इज़ कंसाइनमेंट, तो इसको भी आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा, अगर आप CBSE स्टूडेंट हैं फिर तो आपने नहीं पढ़ा होगा। तो कंसाइनमेंट क्या होता है, कंसाइनमेंट मतलब मान लीजिए कि एक प्रिंसिपल होता है, ऑनर होता है, ये गुड्स सोल्ड करने के लिए अपने एजेंट के पास भेज देता है, वो एजेंट को ही कंसाइनी कहते हैं, और इनके बीच के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में, उसको कंसाइनमेंट कहते हैं। एजेंसी बिजनेस आपने सुना होगा, आप कार खरीदने जाएंगे तो आप कहाँ जाएंगे, किसी एजेंसी में जाएंगे ना, तो वो एजेंसी भी कंसाइनमेंट सेल की तरह ही होता है। तो आपको डिफरेंस लिखना है कंसाइनमेंट और सेल में, दिस इज मोस्ट IMP क्वेश्चन। मैं आपको समझा देता हूँ हल्का फुल्का। सेल में हम प्रॉपर्टी की ऑनरशिप पूरा ट्रांसफ़र कर देते हैं, जबकि कंसाइनमेंट में ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, हम उसको बेचने के लिए बस देते हैं, किसको, एजेंट्स को। सेल में तुरंत पैसा मिल जाता है, कंसाइनमेंट में तुरंत पैसे नहीं मिलते हैं, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा। डिस्क्राइब इन ब्रीफ द वेरियस टाइप्स ऑफ लॉसेस इन रिलेशन टू कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट में कौन कौन से लॉस हो सकते हैं, जनरली एक होता है नॉर्मल लॉस और एक होता है एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस मतलब जो नेचुरल कॉजेस से होता है, जैसे गुड्स भेजना, जैसे पेट्रोल भेजा उसने, मान लीजिए 1000 लीटर पेट्रोल भेजा, और उसको पता है कि 10 लीटर पेट्रोल तो उड़ ही जाएगा, ओके? तो पेट्रोल का उड़ जाना नॉर्मल लॉस है, वो पता है कि होना है, तो जिस लॉस के बारे में हमें पहले पता हो कि वो होना ही है उसको नॉर्मल लॉस कहते हैं, ठीक है? फिर एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, तो एबनॉर्मल लॉस जो ह्यूमन रीजन से होता है, मानव निर्मित कारणों से, जैसे एक्सीडेंट हो जाना या फिर चोरी हो जाना, ऑल द थिंग्स। तो ये 2 टाइप के लॉसेस होते हैं, इनके बारे में आपको लिखना है। नाउ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 10,
व्हाट इज फेयर, यहाँ पर भी गलत है, एएस होगा ये, ठीक है। व्हाट इज एएस 11, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 जो है वो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स की बात करता है। मान लीजिए इंडिया की कोई, इंडिया के किसी बिजनेसमैन की ब्रांच या बिजनेस की ब्रांच जो है वो फॉरेन में है, तो वो फॉरेन ट्रांजेक्शन करेगा वहाँ पे, डॉलर्स में, पॉन्ड्स में, या जिस भी करेंसी में डील करेगा। तो अब उसको अपनी बैलेंस शीट वगैरह तो प्रिपेयर करनी पड़ेगी। तो अगर वो इंडिया में प्रिपेयर करेगा तो INR रुपीज़ में करेगा, लेकिन अगर वो USA में प्रिपेयर करेगा तो डॉलर में करेगा, राइट। तो आपको ये बताना है इसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं। फिर इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हम सपोज़ दैट 31 मार्च 2020 को, अब मान लीजिए उसने एक ट्रायल बैलेंस USA में बनाया था, ओके, अब उसको इंडिया में भी तो बनाना पड़ेगा, तो वो उसी को कन्वर्ट करेंगे, तो क्लोजिंग स्टॉक को कौन सी वैल्यू लेंगे डॉलर की, ठीक है, फिर ओपनिंग स्टॉक को कौन सी वैल्यू लेंगे, परचेज में कौन सी वैल्यू लेते हैं, मशीन जब खरीदा तो कौन सी वैल्यू पर स्टॉक होगा, कौन सी वैल्यू मतलब डॉलर की वैल्यू हर रोज़ बदलती रहती है, तो एवरेज वैल्यू लेंगे या डेट ऑफ परचेस की वैल्यू लेंगे या क्लोजिंग डे की वैल्यू लेंगे, वो आपको पढ़ना पड़ेगा वहाँ से, ओके। नाउ राइट अबाउट AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। इसका ओवरऑल मैं समझा देता हूँ, गवर्नमेंट ग्रांट्स मतलब क्या होता है, जब आप कोई बिजनेस करते हैं तो गवर्नमेंट आपको ग्रांट देता है, ग्रांट मतलब अमाउंट, पैसा, ठीक है। फॉर द एग्जांपल, जैसे किसी आप SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कोई कंपनी सेट करते हो तो गवर्नमेंट बोलेगा चलो 25 करोड़ रुपए हम आपको दे देंगे ग्रांट। ग्रांट मतलब कैश मिलता है हमें, ठीक है, सब्सिडी में, जरूरी नहीं है कि मिले, पर ग्रांट्स में मिलेगा 25 करोड़ रुपए आपको सरकार ने दे दिए। तो आप उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, आप उस 25 करोड़ रुपए को अपनी इनकम दिखाएंगे या फिर क्या करेंगे, उसके बारे में आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा। क्लियर हो गया, ओके। सो मूव टू द लास्ट यूनिट। लास्ट यूनिट कौन सी है, हमारी पार्टनरशिप के बारे में है। सभी लोगों ने 12th पास किया है तभी तो आप BCom में आए हैं, राइट। तो आपने 12th में पार्टनरशिप पढ़ा होगा, पार्टनरशिप में आपने कहाँ तक पढ़ा था, देखिए 12th क्लास में आपने पार्टनरशिप में क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले आपने पढ़ा था पार्टनरशिप बनाना, तो आप एक डीड बनाते थे, पार्टनरशिप बन जाती थी। उसके बाद आपने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पढ़ा था, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में आपने रेशो और गुडविल निकालना सीखा था, ठीक है। उसके बाद आपने रिटायरमेंट पढ़ा था, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, उसके बाद ही पार्टनर की डेथ भी हो जाती थी। उसके बाद आपने पढ़ा था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, फर्म डिसोल्यूशन मतलब बंद होना, फर्म का बंद होना, लेकिन ये सब कुछ भी नहीं है आपको, ठीक है। फिर आप कहेंगे सर आप ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इसके बाद की कहानी दी है आपको यहाँ पे एडवांस लेवल में। एडवांस लेवल मतलब बेसिक तो पूछा है इन्होंने, लाइक व्हाट डू यू मीन बाय डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ये वो सब दिया है। सो अब चलते हैं क्वेश्चन पे, इसके बाद की पूरी कहानी आपको पढ़ना है यहाँ पे, जो भी है अभी देख लेते हैं। पहला क्या होता है, डिफाइन पार्टनरशिप, व्हाट आर इट्स एसेंशियल्स एलिमेंट। पार्टनरशिप क्या होता है, तो पार्टनरशिप दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में होने वाला म्यूचुअल एग्रीमेंट है। डेफिनेशन आप खुद पढ़िएगा। इसके एलिमेंट्स कौन कौन से एसेंशियल्स हैं, पहला दो या दो से ज़्यादा लोग होने चाहिए, मतलब टू और मोर पर्सन, उनके बीच में म्यूचुअल एग्रीमेंट होना चाहिए, और एग्रीमेंट हो गया, फिर प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, फिर उनके बीच में बिजनेस होना चाहिए। आप लोग इसको खुद से पढ़ लीजिएगा। व्हाट डू मीन बाय डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म अंडर द व्हाट सरकम, पहले यहाँ पर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ठीक है, पहले इतने बात करते हैं। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिसॉल्व मतलब बंद करना होता है। तो जब भी पार्टनरशिप फर्म किसी भी कारण से बंद हो जाए उसको डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म कहते हैं। अब वो कारण आप खुद पढ़िएगा, डिसोल्यूशन बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट, डिसोल्यूशन बाय लॉ, डिसोल्यूशन बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, ऑल द थिंग्स आप खुद पढ़ लीजिएगा। अंडर व्हाट सर्कमस्टेंस अ फर्म इज डिसॉल्व, किस किन किन कंडीशन में फर्म बंद हो सकती है, तो वो भी आपको पढ़ लेना है एक बार। व्हाट अकाउंटिंग एंट्रीज हैव टू बी पास्ड व्हेन अ फर्म इज डिसॉल्व, तो अकाउंटिंग एंट्रीज आपने रियलाइजेशन अकाउंट पढ़ा होगा ना, वसूली खाता बोलते हैं इसको हिंदी में,
तो रियलाइजेशन अकाउंट में जो क्वेश्चंस आपने किए थे वही एंट्रीज कर दीजिएगा कि मतलब जब भी कोई फर्म डिसॉल्व होती है तो सारी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। उसके बाद एसेट्स को सोल्ड आउट किया जाता है, लाइबिलिटीज़ को पेमेंट किया जाता है, फिर डेट क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हैं, डेटर्स कोई हो तो पैसे रिसीव करते हैं, उसके बाद कैश अमाउंट दे के पार्टनर्स को सेटल्ड कर देते हैं। ओके, दिस इज़ मोस्ट IMP क्वेश्चन। अगर मैं BCom स्टूडेंट्स को रिकमेंड करूँगा तो यही वाला क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में पूछा जाएगा। इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। एक्सप्लेन द डिसीजन इन गार्नर वर्सेज मर्रे। बस यहाँ तक। गार्नर और मर्रे दो पार्टनर थे, तीन पार्टनर थे, तीसरे वाले का नाम शायद विलकिंस या जो भी रहा हो, ये ब्रिटेन के थे तीनों रहने वाले। तो इन्होंने डिसॉल्यूशन पे ही केस किया था, ब्रिटेन की कोर्ट ने डिसीजन दिया और उस डिसीजन का नाम गार्नर वर्सेस मर्रे रखा गया। ठीक है, तो गार्नर वर्सेस मर्रे रूल्स क्या है आपको पढ़ना है। वैसे ये रूल आप 10 बार पढ़ेंगे तो भी समझ में नहीं आएगा, तो आपको फिर भी लगता है कि सर ये समझा ही दीजिए, इसका की पॉइंट क्या है, तो आप कमेंट करके बताइएगा तो मैं अलग से इसको बता दूंगा। अदरवाइज आप 20 बार भी पढ़ लेंगे तो भी मेन बात तो समझ में नहीं आएगी उसकी, क्योंकि वो प्रैक्टिकल अप्रोच पर है। ऑल दो आप ट्राई करिएगा समझने के लिए। फिर डज दिस डिसीजन अप्लाई इन इंडिया, क्या ये इंडिया में भी अप्लाई होता है? तो इसका आंसर होगा यस, गार्नर वर्सेस मरे रूल्स इंडिया में अप्लाई होता है, क्योंकि इंडिया में ब्रिटेन के बहुत सारे सिमिलर लॉज हैं और वो सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी अप्लाई हो जाते हैं, क्योंकि हमने भी वहीं से चोरी किया है या कॉपी किया है या जो भी कहें आप। राइट अबाउट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, फर्म का बंद होना या इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल द पार्टनर्स, सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएं तो क्या फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, ये आपको खुद से पढ़ना है, इसके आंसर्स प्रिपेयर करना है। राइट, तो यहाँ तक तो आप लोगों ने क्लास 12th लेवल पे पढ़ा होगा। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं, दो चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। व्हाट इज अमलगमेशन ऑफ फर्म्स, पहले अमलगमेशन वर्ड को समझते हैं। तो अमलगमेशन मतलब होता है दो बिजनेसेस का आपस में मिल जाना, जैसे ए और बी दो बिजनेस हैं तो अब ये ए बी हो गए हैं। क्लियर हो गया, तो अमलगमेशन ऑफ फर्म्स, फर्म्स मतलब दो फर्म्स का आपस में मिल जाना, उसको अमलगमेशन ऑफ फर्म्स कहते हैं। नीडेड, क्यों, वाई इट इज़ नीडेड, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अमलगमेशन ऑफ फर्म। मतलब मैं इसको रफली समझा देता हूँ, तो देखिए अमलगमेशन हम क्यों करते हैं। मान लीजिए कि मैं अभी CA फाइनल में हूँ और CA बनने वाला हूँ। ठीक है, मान लीजिए आप में से आपकी एक अकाउंटिंग फर्म है जहाँ पर आप ऑडिट का काम करते हैं और साइन दूसरे CA से करवाना जाना पड़ता था आपको। अब मान लीजिए मैं आपका पहचान का हूँ, मैं CA बन गया, तो मैं क्या करूँगा, आपकी भी फर्म है और मैं भी अपनी एक फर्म, मेरी भी बनेगी, तो मैं बोलूँगा कि चलो दोनों मिलके एक ही फर्म कर लेते हैं, अमलगमेट कर देते हैं उसको, मतलब मिला लेते हैं। तो इस तरीके से और भी हो सकता है एग्जांपल बहुत सारे। तो जब भी दो बिजनेस सिमिलर नेचर के बिजनेस आपस में मिल जाएँ उसको अमलगमेशन ऑफ फर्म्स कहते हैं। तो इसकी ऑब्जेक्ट्स लिखना है आपको, क्यों करते हैं, इसके फ़ायदे हैं बहुत सारे। फ़ायदे ये है कि एक ही ऑफिस में ऑपरेट हो जाएगा, कम स्टाफ में ऑपरेट हो जाएगा, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, कैपिटल कम लगानी पड़ेगी। तो आप इसके बुक इस पॉइंट पढ़िएगा नाउ। फिर आखिरी में आते हैं, व्हाट जनरल एंट्रीज आर मेड फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पंप्स, नहीं होगा फॉर्म्स होगा। तो मेरा टाइपिंग वाला लगता है साइंस स्टूडेंट्स है ये। विच इज़ टू बी कन्वर्टेड इंटू ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, समझिए ज़रा। अब मान लीजिए कि एक यहाँ पर ए बी एंड एसोसिएट्स करके एक पार्टनरशिप फर्म थी, इन लोगों को लगा कि यार फर्म में मज़ा नहीं आ रहा है, कंपनी बना लो, तो ये लोग अपने ओवरऑल बिजनेस को एक एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में कन्वर्ट कर देंगे। तो उस टाइम पे क्या क्या जनरल एंट्रीज होती हैं, क्या क्या मतलब, पहले तो इनकी बुक्स को क्लोज करना पड़ेगा, सारी बुक्स की क्लोजिंग की एंट्रीज और फिर एक कंपनी बनाने की एंट्री, ये सब आपको मिल जाएगा यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो और भी लोगों को बताएं, इट गिव्स मी मोटिवेट, ये मुझे एक मोटिवेशन देता है और भी इस टाइप के एजुकेशनल वीडियोस बनाने के लिए। ओके, BCom फर्स्ट ईयर के लिए मैंने बहुत दिनों बाद ये वीडियो अपलोड करा है, तो आप लोग हमारे चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं।
और दूसरी खास बात ये है कि जो स्टैट्स स्टूडेंट्स हैं जिनको स्टैट्स पढ़ना है उनके लिए भी मैं वीडियो सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। ओके, तो आप लोग हमारे चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए और टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन हो जाएं, वहाँ से ये PDF फाइल आपको प्रोवाइड हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।